फिरोज खान की फिल्म जय हिंद रिलीज हो गई है और फिल्म में एज यूजुअल पवन सिंह है, मधु शर्मा है, प्रियंका पंडित है और आकांक्षा अवस्थी है। निधि झा का एक स्पेशल नंबर है और संजय पांडे की बहुत ही प्यारी एक्टिंग है। इस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों में खलनायक के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने खलनायक मीर सरवर। आपको बता दें कि इस फिल्म के स्टोरी के बारे में तो आप जैसे कि ट्रेलर देख चुके होंगे और हमने पहले भी कहा है, फिल्म हिंदुस्तानी लड़का और पाकिस्तानी लड़की की कहानी है। प्रेम ही प्रेम है फिल्म में और अगर पवन सिंह है तो आप समझ सकते हैं कि एक्शन की भरमार होगी। बात कर लेते हैं फिल्म के दमदार डायलॉग की, तो फिल्म के दमदार डायलॉग ने फिल्म को वैसे ही काफ़ी कुछ बज क्रिएट किया हुआ है। इसके लिए आप फिल्म के डायलॉग राइटर राजेश त्रिपाठी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्म में इतने बेहतरीन डायलॉग दिए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है डायलॉग पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है। इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे डायलॉग हैं जब पवन सिंह पाकिस्तान में जाकर उन्हीं की सरजमी पर बोलते हैं और सिनेमा घर में तालियां बजती हैं। में से एक डायलॉग जो काफी फेमस हो रहा है भाई ये है, जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं होता है उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। बात अब फिल्म की अगर हो तो फिल्म में कुछ नया नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ नया नहीं है। आपने कई ऐसी भोजपुरी फिल्में देखी होगी, कई ऐसी हिंदी फिल्में भी देखी होगी जहां हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तानी लड़की से प्रेम करता है और उस अपने प्रेम में किस तरह से वो विजय प्राप्त करता है। यहां पर एक्टिंग की बात करते हैं तो इन सब पे भारी पड़े हैं संजय पांडे। जी हां, अगर आप संजय पांडे के फैन हैं तो आप यह फिल्म देखिए और सिर्फ उनके लिए देखिए। क्या एक्टिंग की है उन्होंने, एक्टिंग ऐसी कि कॉमेडी करते हैं तो आप ताली बजाएंगे और विलन के रूप में आते हैं तो आप उन्हें गाली देंगे। बात अब पवन सिंह की हो जाए तो पवन सिंह और मधु शर्मा की केमिस्ट्री बड़ी ही अच्छी है और पवन सिंह अपने एक्शन अवतार के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भोजपुरी का सनी देओल कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता है। अगर आपने फिल्म गदर देखी है तो जय हिंद आपको कुछ कुछ उसकी याद दिलाएगी। फिल्म में मधु शर्मा की एक्टिंग भी देखने लायक है, वो एक मझी हुई एक्टर हैं, इससे साफ पता चलता है। फिर वो चाहे पवन सिंह के साथ रोमांटिक गाने में हो या फिर कई ड्रीम सीक्वेंस में हो। समीर आफ्ताब की इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म में कई प्रोड्यूसर हैं, अभय सिन्हा, समीर आफ्ताब, अपर्णा शाह जैसे कई लोग हैं और उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी पैसा लगाया है जो कि फिल्म के लोकेशन को देख के ही पता चलता है। हाँ, अब बात फिल्म के म्यूजिक की कर ले तो छोटे बाबा ने दिया है। हमेशा की तरह पवन सिंह की फिल्मों में छोटे बाबा ही ज़्यादातर म्यूजिक देते हैं। म्यूजिक कर्णप्रिय हैं, अच्छे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई मार्केबल गाना नहीं है। यह यशी फिल्म के बैनर तले फिल्म निकल रही है और फिल्म इस वक्त यूपी, बिहार और झारखंड में रिलीज हुई है। 15 अगस्त को ये मुंबई और दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों में रिलीज होगी। फिल्म में कई बेहतरीन फाइट सीन हैं जिसके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल जानी जाती है। इस फिल्म में निधि झा का एक आइटम नंबर है, लेकिन वो आइटम नंबर काफी अच्छी तरह से फिल्माया गया है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ करनी पड़ेगी और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फिल्म के विलेन मीर सरवर, जिनकी ये पहली भोजपुरी फिल्म है लेकिन वो कहीं से भी जाहिर नहीं होने देते हैं कि यह उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है। किस तरह से एक हिंदुस्तानी ड्राइवर पाकिस्तानी लड़की से प्रेम करता है और उसे अपने वतन लाकर उसे अपना बनाता है, यह पूरी कहानी उस पर है। और आप जाइए सिनेमाघरों में, अगर आप पवन सिंह की फ़ैन हैं तो फिल्म देखिए, क्योंकि आपको यह फिल्म पवन सिंह की कई फिल्मों की याद दिलाएगी। इस फिल्म को स्पेशल भोजपुरी की तरफ से 2.5 स्टार मिलते हैं।
तो अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो जाइए फिल्म एंजॉय कीजिए। और अब हम आपको मिलेंगे फिर एक और रिव्यू के साथ। वैसे भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाके भोजपुरी से रिलेटेड कई न्यूज़, कई अपडेट आप पा सकते हैं।